हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, जिसे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। एडवर्ड मॉन्टेगो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड इंडिया के वायसराय थे। ये एक्ट हुकूमत बरतानिया की तरफ से पेश किया गया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट था, क्योंकि इसमें पहली बार खुद मुख्तार हुकूमत की बुनियाद रखी गई थी। इस एक्ट के मुताबिक सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलहदा कर दिया गया, यानी मरकज़ और सूबे अपने अपने कानून बना सकते थे। इसी तरह प्रोविंशियल लेवल में डीआरके सिस्टम मुतारिफ कराया था। अब डीआरके सिस्टम होती क्या है? इसके तहत प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जितने भी थे उनको रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड में तकसीम किया गया था, यानी जितने भी इख्तियारात थे उन्हें बरतानिया और हिंदुस्तान के दरमियान तकसीम कर दी गई थी। ट्रांसफर सब्जेक्ट गवर्नर के ज़ेर इंतज़ाम था, जिसको चलाने के लिए उसे कानून साज असम्बली की ज़रूरत पड़ती थी। इसी तरह रिजर्व सब्जेक्ट भी गवर्नर के ज़ेर इंतज़ाम था, लेकिन उसे चलाने के लिए उसे कानून साज असम्बली की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह इस एक्ट में बाय कैमरलिज्म मुतारिफ कराया गया, यानी कि मरकज़ी कानून साज असम्बली के दो बड़े ऐवान बनाए गए, जिसमें एक था कानून साज असम्बली और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी जिसको अपर हाउस भी कहते हैं। कानून साज असम्बली में 144 यानी 144 मेंबर्स थे, जबकि ऐवान बाला या अपर हाउस या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट में सिर्फ 60 मेंबर्स थी। इस एक्ट का सबसे अहम नुक्ता ये था कि वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबरान में से 3 हिंदुस्तानी होंगे। इसी तरह मुसलमान, सिख और हिंदुस्तानी ईसाइयों को भी जुदागाना इंतखाबात का मौका दिया गया। वोटिंग राइट भी सिर्फ उनको दिया गया जिनके पास जायदाद थी और जो टैक्स अदा कर सकते थे।